गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये सुबह सुबह मैं फिर से आपको आ गई अपनी छत पे लेकर के। और ये देखिए, एक एक गमले में तीन तरह के फ्लावर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, वाइट अपराजिता, पर्पल, ये गुड़हल तो खैर बगल के गमले से आया है, और ये रहा एवरग्रीन प्लांट सदाबहार, जो कि अपने आप ही निकल जाता है। ये मैंने लगाया नहीं है किसी भी गमले में, अपने आप ही निकल आया है, पर बहुत खूबसूरत लगता है तो इसलिए मैंने इसे छोड़ रखा है, मैंने इसे हटाया नहीं है। फ्रेंड्स, आज आपको मैं सदाबहार के कुछ गुणों के बारे में बताऊंगी, इसके कुछ फ़ायदे, थोड़े से नुकसान भी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सदाबहार का साइंटिफिक नेम कैथरेंथस रोजियस है, और ये एपोसाइनेसी फैमिली से आता है, और इसे ब्राइट आइज भी ऐसे बोलते हैं सेब की वजह से कुछ। और फ्रेंड्स, इसकी जो पत्तियां हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे से सदाबहार की, तो सदाबहार की पत्तियां जिन लोगों को भी ब्लड शुगर की समस्या है, वो लोग अगर सुबह सुबह खाली पेट में 6 से 7 पत्तियों का सेवन करें, सिर्फ 6 से 7 पत्तियों का, तो उनके लिए ये रामबाण हो सकता है। ब्लड शुगर लेवल उनका बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। इसका रस निकाल करके भी पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे बस 6 से 7 पत्तियाँ, क्योंकि ज़्यादा सेवन करने से पेट दर्द की समस्या और हो सकती है, और साथ में लीवर पर भी थोड़ा बुरा असर पड़ सकता है। और फ्रेंड्स, इसमें एल्कलॉइड्स भी होता है, तो जिन लोगों को भी ब्लड प्रेशर की समस्या है उनके लिए भी ये बहुत लाभकारी है। तो ये तो हो गया इसके पत्तियों के फ़ायदे, अब आते हैं इसके फूल पे। तो सदाबहार के फूल का ना, इसको देखने में इतना प्यारा लग रहा है ये। और इसके फूल में एक तो एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, जो कि हमारे चेहरे पर अगर कभी एक्ने, पिंपल वगैरह ये सब चीज़ हो जाता है ना, तो उस पर बहुत अच्छा असर करता है, लगाने से वो एक्ने सही हो जाता है। और दूसरा, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी होता है, तो अपने एंटी इन्फ्लामेटरी गुण की वजह से कभी हमारे चेहरे पर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो उस पर अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो बहुत हद तक सही होता है। ये इस्तेमाल किया हुआ है तभी मैं आपको बता रही हूँ, बिना इसका उपयोग किए हुए और स्योर हुए नहीं बताती। लेकिन फिर भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि खुद जब तक ना स्योर हो और डॉक्टर से एक बार ना पूछ लें, तब तक किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए इस्तेमाल। एक बार खुद से स्योर हो लें किसी भी तरीके से, तब इस्तेमाल करें। पर इसके फूल और इसके पत्तियों के फ़ायदे तो बहुत हैं, और इसके फूल का पेस्ट लगाने से हमारा चेहरा पे भी बहुत ही अच्छा चमक भी आती है, बालों पे भी बहुत अच्छा असर होता है। तो इसके फूल और इसकी पत्तियों का सेवन अवश्य करें। घर में सदाबहार अगर नहीं है तो लगा जरूर लें, बस एक बार सेवन करने से पहले खुद से श्योर हो लें। तो फ्रेंड्स, इसे सदाबहार के कुछ फ़ायदे, थोड़े से कुछ नुकसान। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।